हमें बस अपने अपनी जो पर्सनालिटी है उसको वहां पर परफॉर्म करना है, बाकी नॉलेज तो ऑलरेडी चेक हो चुका है सर। So hi everyone and welcome back once again to the channel. Welcome to another interview of NABARD Grade A 2022 Topper Series. Today with me is Mr. Dilip Malviya and he has cleared this examination of course. So welcome Dilip Malviya to the channel and congratulations for achieving this fame. Thank you so much sir. Alright, so Dilip, let's start with the introduction part. थोड़ा सा बताओ अपने बारे में that what is your educational background? कैसे आप NABARD तक पहुंचे? थोड़ा सा बताओ। सर मेरा नाम दिलीप मालविया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग से की है। उसके बाद से ही मैं यूपीएससी और NABARD जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा था और यह मेरा NABARD में तीसरा अटेम्प्ट था और फाइनली इस साल में क्लियर कर लिया। तो बेसिकली मैं ये मान के चलूं कि आपने घाट घाट का पानी पिया है, आपने यूपीएससी भी दिया है। यूपीएससी में बात कहां तक पहुंची थी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीम नहीं हुआ था, लेकिन मेंस में सेकंड अटेम्प्ट में मेंस हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, ये हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये लगा कि मुझे आगे निकलना चाहिए, तो देन यू ट्राइड फॉर आरबीआई या NABARD एज़ वेल, राइट? आई थिंक काफी अच्छा है, ये भी हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक ही चीज पे चिपकना इज नॉट द आइडिया, वी शुड मूव अहेड इन द लाइफ, राइट? और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि दो अटेम्प्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने किया और आई थिंक यही रीजन है कि आप आज यहाँ बैठे हो। मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। सो थैंक यू सर। हम NABARD की ही बात अगर करें तो जैसा आपने बताया दैट इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट? यस सर। तो क्या गड़बड़ हो गई थी पहले दो अटेम्प्ट में, इफ आई मे आस्क मिस्टर दिलीप? सर जैसा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो था सर मेरा, वो मैंने प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं की थी। मैं यूपीएससी से डायरेक्ट इधर जंप किया था, तो जो कंटेंट, क्योंकि NABARD की एग्जाम फैक्चुअल एग्जाम है मोस्टली, जो कि डेटा रिलेटेड है, इवन पॉइंट्स में भी हमें कभी कभी आंसर मैच करने होते हैं, लेकिन उसमें ओपिनियन बेस्ड चीजें नहीं होती है, तो फैक्चुअल चीजें मुझे इतनी याद नहीं रही। और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एक चीज सीखी सर कि प्री मेरा इजिली क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे फोकस सिर्फ मेंस के लिए करना है, इसलिए मैंने थर्ड अटेम्प्ट में प्री बिल्कुल नहीं पढ़ा सर। सिर्फ आपका आपका यूट्यूब चैनल पर सर बहुत सारे वीडियोस थे स्कीम्स और पीआईबी से रिलेटेड, तो मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर लिए और कुछ दिनों में वो सारे कवर कर लिए थे, तो प्री के लिए आई थिंक सर वो इनफ थे। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि मतलब जो हमारी गलतियां हम करते हैं पहले दो अटेम्प्ट्स में, जो भी आपसे गलतियां हुई तो आई थिंक आपने उससे सीखा, राइट? कि मेरे को प्री पे, अब मेरी अगर गड़बड़ियां मेंस में हो रही है तो मुझे मेंस पे फोकस करना चाहिए, राइट? और प्री पे आपने थर्ड अटेम्प्ट में बिल्कुल ही फोकस नहीं किया, आप बता रहे हैं कि बस आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख के गए, राइट? तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एस्पिरेंट के लिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमें गलतियों से सीखना है। जनरली क्या होता है कि हम फेल होते चले जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है, तो दैट शुड नॉट बी द आइडिया। तो क्या क्या ऐसी चीजें आपने सीखी उन दो फेलियर्स में? मैं अभी सिर्फ NABARD के ऊपर रहूंगा, तो क्या क्या चीजें सीखी? एक तो आई थिंक मुझे लगता है कि सिलेक्टिव स्टडी वाली चीज आपने सीखी, अगर और कुछ आप इलैबोरेट कर पाए कि क्या क्या आपको लगा कि यस पहले दो अटेम्प्ट में फेल हो गए, मैंने ये चीज सीखी। सर मैंने मेंस के लिए सोर्स को, जो सोर्सेस थे उसको बहुत ही लिमिट कर दिया था, कुछ ही लिमिटेड सोर्सेस थे, कुछ सोर्सेस में भी जो उन लिमिटेड सोर्सेस में भी कुछ बहुत ही फिल्टर्ड चीजें जो मैंने पढ़ी और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि सर जो चीजें मैं बार बार, आई थिंक एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना लिमिटेड चीजों को, वो काफी हेल्प की मुझे NABARD की एग्जाम को क्लियर करने की। यस सर, आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक ही एक चीज को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। यस सर, 10 चीजें को एक बार करेंगे, वो आई थिंक ब्रूस ली या किसका डायलॉग भी है ना कि एक मूव को मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो वो मेरी ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, तो आई थिंक वही होना चाहिए। यस सर, राइट, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमने ये तो बात कर ली कि गलतियों से सीखा वगैरह वगैरह, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ दिलीप कि NABARD की तरफ आपकी जो इंटरेस्ट था वो कैसे निकल के आया, आई मीन NABARD की तरफ कैसे बढ़े आप, बिकॉज देर आर वेरियस अदर एग्जामिनेशन एज वेल, SSC है, IBPS PO है, SBI PO है, तो NABARD की तरफ जो रास्ता था वो कैसे निकला? सर NABARD सर जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे पापा फार्मर हैं, तो मैं फार्मर कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो NABARD एक ऐसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
जहाँ मुझे लगा कि जाना चाहिए। ये एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैंने लगातार ट्राई किया। आई थिंक मेरे जर्नी में सर कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प की मुझे। यस आई थिंक वो तो दिख ही रहा है, तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते भी आपके चेहरे की जो स्माइल है ना वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है आई थिंक, जो कि पहले रही होगी। दैट्स वेरी नाइस। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपके फादर फार्मर हैं, तो आपने बहुत डीपली और बहुत पास से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखी है, एंड दैट इज वाई आप नाबार्ड की तरफ आगे बढ़े। तो दिलीप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो पूरा प्रिपरेशन है नाबार्ड का, क्या यस वो सर। अपने गांव में रह के किया है या फिर कहीं आप मूव ऑन हुए थे शहर की तरफ? नहीं सर, जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन भोपाल से की थी, उसके बाद में कोरोना के वक्त में मुझे आई थिंक कनेक्टिविटी इशू बहुत देखने को मिले गांव में, क्योंकि नेटवर्क नहीं था। और इवन मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा भी कहते रहते थे मुझे कि ये दिन भर मोबाइल में क्या देखता रहता था, क्योंकि एक जियो ही ऐसी चीज़ थी जो मुझे उसमें बनाई रही, कंसिस्टेंसी लाई रही कि एटलीस्ट मैं कम से कम करंट अफेयर और न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लूँ वहाँ से। तो मतलब कनेक्टिविटी का इश्यू आई बिलीव होता था। आई यस थिंक ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, बिकॉज अगर नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही अवेलेबल यस हैं सर और यूट्यूब पे भी, उसमें भी कनेक्टिविटी चाहिए। यस तो सर ये कैसे मैनेज हो रहा था दिलीप? आई मीन सर मुझे कैसे? लगता है सर हाँ नाबार्ड और आरबीआई इन एग्जाम्स को ऑफलाइन नहीं किया जा सकता, बुक से नहीं किया सकता, इसमें हमको ऑनलाइन शिफ्ट करना ही इंटरनेट पड़ेगा। की जरूरत पड़ेगी ही यस पड़ेगी, सर बिना इंटरनेट के हम इस एग्जाम को प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, यस सर तो ये तो बड़ी समस्या होती थी। तो यस इसको मैनेज आप कैसे करते थे? जैसे अब सर एग्जाम आ गया, अगले महीने एग्जाम है, अब तो मॉक टेस्ट तो देना ही है, सब कुछ करना है, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती थी? बड़ा मुश्किल यस सर फिर भी मैंने एग्जाम से मैं कुछ वक्त पहले भोपाल चला जाया करता है। था। मेरे फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं आई थिंक सर, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरफ से हेल्प किया है, अभिनव और अनुपम। अच्छा आई थिंक ये अगर एक दोस्त कैसा होना चाहिए वो उसकी परिभाषा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसा बोला ही जाता है। और यस चलो नीड में नहीं भी काम आया, लेकिन तब भी अच्छा दोस्त होता है, वो हमेशा काम आता ही है। तो यस ये बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक अभिनव और अनुपम अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आई वॉन्ट टू थैंक टू यू कि आपने अपना एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए दिलीप को यहाँ तक पहुंचाया है। ठीक है, तो मतलब आप एग्जाम से पहले निकल के भोपाल आ जाते थे और यस आपके वो सर जो दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपकी काफी सपोर्ट किया यस इसमें। जैसे दिलीप मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जैसे रूरल एरियाज में फैमिलीज जो होती हैं काफी, आज भी हमारे देश में काफी ज्यादा जैसे कहते हैं बैकवर्ड ख्यालों वाली होती है, तो यस सर फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, मतलब पेरेंट्स का स्पेशली? सर पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और रिलेटिव्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे लाइफ में। पेरेंट्स का सपोर्ट और स्पेशली सर मम्मी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। मम्मी का तो हमेशा ज्यादा यस होता सर है वो। यस सर और मम्मी ने ही मुझे बोला कि भोपाल तो जाना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए, वरना आई थिंक बहुत ही कम लोग होते हैं जो वहाँ से निकल के ग्रेजुएट होते हैं हमारे गांव से। यस सर हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, आप बता रहे हैं केवल 700-800 लोग रहते हैं आपके गांव में, इट इज यस मतलब वन ऑफ द रिमोटेस्ट विलेज, राइट? यस सर चलो सही है। ओके दिलीप, तो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने अपनाई। ठीक है, जैसा आपने बोला अभी कि फेज वन में आपने केवल यूट्यूब फॉलो करा, बट वो तो थर्ड अटेम्प्ट में आके, यस उससे सर पहले भी आपने कुछ ना कुछ चीजें तो पढ़ी ही होंगी, ऑफकोर्स यस बिना उसके तो हो नहीं सकता। तो यस सर स्टार्ट करेंगे हम फेज वन से दिलीप। यस सर सर फेज वन स्टार्ट जब नाबार्ड का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने अनुज जिंदल साइट से ही कुछ पीडीएफ कोर्सेस लिए थे नाबार्ड के लिए। तो वो एक्चुअली सर एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टैटिक होता है मोस्टली, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया था, तो सेकंड अटेम्प्ट में भी वो वही मुझे रिवाइज करना था और थर्ड अटेम्प्ट में भी। ठीक है। और जो करंट अफेयर का पार्ट था वो आपके यूट्यूब चैनल से मैंने स्कीम्स और पीआईबी के थ्रू इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को कवर कर लिया था, तो आई ठीक है। थिंक प्री के लिए सर वो सफिशेंट था काफ़ी। लेकिन फिर मेंस में मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कुछ वीडियोस देखे थे आपके, और जो ऐसे और लेटर और प्रेसी का जो फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर था वो मैंने वहाँ से देखा कि किस तरह से एक्चुअली हमें फ्रेम करना है। और सर ऐसे में स्पेशली एक बात यह रही कि मैंने एग्ज़ाम से पहले मेंस मेंस से पहले मैंने
एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे को पूरा ही रोट लर्निंग कर ली थी उनकी, थीम बेस्ड। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का आ गया, तो मैंने कुछ चीज़ें उसको सेपरेट कर ली, फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्कीम्स, उनकी करंट अपडेट्स, आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडेक्स, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इनमें से जो आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें उनको सेपरेट कर लिया मैंने, और फाइनेंशियली जो मॉनेटरी पॉलिसी इनको सेपरेट कर लिया मैंने। ऐसे कुछ 3-4 थीम बनाई थी, तो और एक एग्रीकल्चर भी बनाई थी, क्योंकि नाबार्ड ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे ही काम करता है सर, तो मुझे पता था कि एटलीस्ट एक एक ऐसे तो एग्रीकल्चर से रिलेट करके कुछ पूछेंगे, और उन्होंने पूछा भी सर कि व्हाई यूथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर सर। तो मेरी थीम तैयार थी और मैंने बस लिखना था वहाँ पे, तो मैं टाइप करता गया, आई थिंक 15 या 20 मिनट में मैंने पूरा ऐसा कंप्लीट कर लिया था। तो आई थिंक ये काफी अच्छा हुआ कि थीम बेस्ड प्रिपरेशन आपने करी थी यस सर, और लॉटरी लग गई आपके पेपर में, वो जाके फंस यार भी गया वहां पे। तो ये आई थिंक सीखने वाली चीज है कि हमें थीम बेस्ड प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, कि जैसे अगर हम नबार्ड का पेपर दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जो यस थीम्स सर, हैं, आई थिंक ये सीखने वाली चीज है आपके इस प्रिपरेशन में। तो डिस्क्रिप्टिव की ही अगर हम बात करें दिलीप, तो प्रैक्टिस फेज 1 के बाद आपने शुरू करी थी या पहले से ही चल रही थी, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर जैसा मैंने बताया मैंने प्री की प्रिपरेशन को बहुत कम टाइम दिया, आई थिंक नील नील टाइम था, लेकिन मेंस को मैं शुरू से ही टारगेट कर रहा था, क्योंकि मेंस में जो सब्जेक्ट थे बहुत वास्ट थे और पढ़ना था उनको, रिवाइज करना था, तो मैंने शुरू से ही मेंस को ही टारगेट किया और मैं उसी पर फोकस रहा था। तो डिस्क्रिप्टिव में जो टाइपिंग वाली प्रॉब्लम रहती है जनरली, वो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, बात करता हूँ, तो वो यस टाइपिंग वाली जो, अब क्योंकि कुछ लोग तो वर्किंग होते हैं जिनको टाइपिंग वगैरह आती है, यस सर, अब जैसे आप वर्किंग नहीं थे यस तो सर, टाइपिंग के लिए कुछ अलग से किया था आपने, या फिर जब आपने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो डायरेक्ट टाइपिंग से ही शुरू करी थी तो वो बन गया? सर हुआ यह था कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद मैं इनफॉर्मली ही सही, लेकिन मैंने कंटेंट राइटिंग पे काम किया था, मैंने अच्छा। कुछ ब्लॉग भी तैयार किए थे, तो मेरी राइटिंग स्किल्स आई थिंक वहाँ से अच्छी हुई थी काफ़ी, और मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नाबार्ड में मेरे डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स थे, बट मैं ऑब्जेक्टिव में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट में भी यही हुआ, लेकिन अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे पता चल गया कि जो मेन फोकस है वो मुझे प्रोफेशनल पार्ट को देना है। ठीक है, तो दिलीप अब आते हैं इंटरव्यू पे। तो यस सर, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे प्रिपरेशन करी आपने इंटरव्यू की, और एक्चुअल इंटरव्यू जो आपका हुआ उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा। सर जैसे मुझसे सर वहाँ पर पैनल ने पूछा था कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, इतना कोई बहुत ही कॉर्डियल पैनल था, और जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने आई थिंक मैं पहले से ही कुछ चीज़ें उनमें से प्रिपेयर करके गया था। जैसे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के बारे में पूछा, हाँ, और उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो सास प्लेटफॉर्म होते हैं किस तरह से वर्क करते हैं, जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स हैं ये किस तरह से वर्क करता है, नाबार्ड के जो आईटी इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे हैं, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में भी मुझसे पूछा। तो आई थिंक ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी उन्होंने मुझे पूछी, और आई थिंक इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था उस दिन। तो इंटरव्यू पैनल, जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होता है वो आप हमारे व्यूअर्स को बता दो कि बहुत कॉर्डियल होता है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज अगर आप, हम बोलते हैं तो हमारी बात मानते नहीं, आप बोलेंगे तो आई थिंक ज्यादा उनको विश्वास रहेगा, क्योंकि अभी आप वहां से आए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसे एक्सपीरियंस रहता है आपका, कि कैसा रहता है वहां पे एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इंटायर इंटरव्यू? सर पैनल बिल्कुल ही चिल था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ, हाँ कभी किसी को वर्चुअली कभी कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, क्योंकि आजकल नाबार्ड के इंटरव्यू वर्चुअली हो गए हैं, वहाँ हमें रीजनल ऑफिसेज में ही जाना पड़ता है इंटरव्यू देने, तो हाँ कुछ कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, लेकिन वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें बस अपने अपनी जो पर्सनालिटी है उसको वहाँ पर परफॉर्म करना है, बाकी नॉलेज तो ऑलरेडी चेक हो चुका है सर। यस, आई थिंक नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है, बस पर्सनालिटी चेक होनी है। यस सर, एक एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है कि
हिंदी इंग्लिश में दे, हिंदी में दे, हमें तो इंग्लिश में ही देना है इंटरव्यू, किस में दे, तो ऐसा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब आप इंटरव्यू दे रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं, और नाबार्ड और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इशू नहीं होता है। आपको हिंदी में देना हो तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना हो। मेरा इंटरव्यू तो सर स्टार्टिंग इंग्लिश से हुई थी, चेयरमैन सर ने स्टार्टिंग इंग्लिश से ही की थी, लेकिन मैम जब हिंदी पे आ गई तो मुझे बोलना भी हिंदी में पड़ा फिर से, तो फिर हिंदी दोनों मिक्स ही था आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में भी बताओ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी थी आपने? ये तो आपका एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया, अगर हम थोड़ा सा क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिपरेशन तो आपने करी ही होगी, यस सर, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इवन मैंने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिए थे सर। अच्छा। क्योंकि अब मैं शादी और फंक्शन में बिजी था, और हाँ मैंने लेकिन नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, नाबार्ड के जो पोटेंशियल लिंक प्लान है और नाबार्ड की जो स्टेट फोकस पेपर है उनको मैंने बेसिक हाइलाइट्स पढ़ लिए थे, और कुछ करंट अपडेट्स कुछ न्यूज़पेपर से उठा ली थी। आई थिंक वो भी मुझे काफ़ी हेल्प की, जैसे अभी मार्केट में आईटी में मूनलाइटिंग का इशू काफ़ी चल रहा है, तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि शायद क्या पता पैनल पूछ ले, तो मैं पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड था उनके लिए। अच्छा, तो बेसिक आपने अप्रोच फॉलो करी, नबार्ड की वेबसाइट, नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट और जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, बेसिक अप्रोच। और ये बहुत कमाल की चीज आपने बताई कि आपने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि आपने नहीं दिया था, डेलिबरेटली नहीं दिया था, ये मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द आइडिया कि इज इट रिक्वायर्ड टू गिव द मॉक इंटरव्यूज और नॉट, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा। अगर फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल ही देना चाहिए। मेरा जो फर्स्ट टाइम था मैं एक्चुअल इंटरव्यू दे चुका था, हाँ ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर, तो मुझे उस एक्चुअल इंटरव्यू से जो एक्सपीरियंस मिला वो अपनी मिस्टेक्स थी जो मैंने उससे सीखा, और मुझे लगा नहीं कि जरूरी है, लेकिन मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं किसी फेस्टिवल की वजह से नहीं दे पाया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही एक्चुअल इंटरव्यू दिया फिर। ठीक है, ऑल राइट दिलीप, तो यही कुछ बेसिक सवाल थे मेरे आपसे। अब चलते चलते अगर आप कुछ मैसेज हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप उनको देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। गाइस नाबार्ड और आरबीआई जैसे एग्जाम लाइक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, एंड इट इज द प्रोसेस, वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज दिलीप मालविया फॉर अस, एंड आई थिंक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरव्यू बहुत छोटा है आई नो, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। नंबर वन, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। नंबर टू, एक्सपीरियंस जो आपका है आपको उसको कैसे यूज में लाना है। सिर्फ फेल होने के बाद रोने से कुछ नहीं होगा, उस फेलियर से आपने क्या सीखा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस इंटरव्यू, एंड आई hope that you guys have learned something from it. And that is the idea of these NABARD graded 2022 topper series. So I will see you in the next interview session. If you have enjoyed this video, press the like button and share with your friends and family. Thank you so much. Goodbye. Take care and God bless.